स्वतंत्रता दिवस के पूर्व जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, देश के प्रधानमंत्री के द्वारा जो है पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज अमेठी कस्बे में यहां पर जो है जिला पंचायत अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के द्वारा यहां पर हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं और वो बाइक से हर घर तिरंगा यात्रा के तहत जो है यहां पर तिरंगा यात्रा की रैली निकाले हैं और यहां पर उनके अंदर जो है कहीं ना कहीं जोश और खरोश देखा जा रहा है, देशभक्ति से लबरेज दिख रहे हैं, भारत माता की जय, हिंदुस्तान की जय, ऐसे नारों से यहाँ पे जो है पूरा कस्बा जो है गुंजायमान है। और ये यात्रा जो है यहाँ पे देवीपाटन मंदिर से प्रारंभ हुई है, जो कस्बे में जाकर घूमते हुए पूरे कस्बे में होते हुए समाप्त होगी। शिवराज सर जिला अध्यक्ष और जो है भारतीय जनता पार्टी के और तमाम नेता है यहाँ पर मौजूद है, इसी के साथ जो है जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं, हम उनसे बात करेंगे आखिर इस यात्रा का क्या कुछ उद्देश्य है। भैया किस प्रकार की यात्रा है और क्या कुछ उद्देश्य है ये तिरंगा यात्रा? हमारे देश के जो नौजवान पीढ़ी है जिसने संघर्ष नहीं देखा है, कुर्बानी नहीं देखा है, उनकी याद को ताजा करने के लिए आज तिरंगा यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में निकाली जा रही है। आप देख रहे हैं हम सबके जिलाध्यक्ष, महामंत्री, पूरा संगठन और पूरा आम जनमानस हजारों हजार की संख्या में आज अमेठी की सड़कों पे भारत माता की जय करते हुए उन अपने वीर सपूतों को समर्पित कर रहे हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर किया था। ये हमारे साथ जो है जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रवाल थे, जिन्होंने बताया कि हम और हमारे साथ पूरा अमेठी कस्बा जो है इस समय पूरे देशभक्ति के साथ लवरेज है और हम यह यात्रा के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि हमारे अंदर अभी वह जज्बा कम नहीं हुआ है जो हम आज इस यात्रा के माध्यम से, हर घर तिरंगा के माध्यम से उन वीर सपूतों को एक बार फिर से नमन करते हैं। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनके द्वारा इस अभियान का आगाज किया गया 9 तारीख से 15 तारीख तक। उनका एक ही उद्देश्य है कि भारत के प्रति लोगों में एक आस्था जो अपने यहाँ के लोगों में बनी है और जो बड़ी बलिदान देश के प्रति दिए हैं उनको याद रखा जाए, सबको नमन किया जाए और एक जनजागरण किया जाए कि वो बलिदान, देश की आज़ादी कैसे मिली थी, कितने लोग बलिदान दिए थे, उनको सबको याद रखा जाए, सबको नमन किया जाए और एक ऊर्जा बनाने के लिए कि अपने देश के लोगों में एक ऊर्जा बनी रहे कि देश कैसे आज़ाद हो उसको याद रखा जाए। और एनबी न्यूज भी उन देशभक्तों को नमन करता है। राजकुमार जायसवाल, एनबी न्यूज, अमेठी। ताजा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने पूरे देश की राजनीति में भूचाल मचा दिया है, जिसमें अडानी ग्रुप और माधवी बुच जो सीबीआई की चेयरमैन है उनके बीच सीधा सीधा उनके पति का कनेक्शन बताया अडानी ग्रुप की कुछ कंपनियों में, जिसमें लाखों करोड़ रुपए का इधर उधर आवागमन बताया गया, जिसमें मॉरिशस और सिंगापुर जैसे देश शामिल है। यहाँ पर कुछ कंपनियां बनी हुई है, उनके द्वारा इस पूरे रिपोर्ट के अंदर ऐसा खुलासा किया गया कि कुछ रुपए का आदान प्रदान किया जिसका अमाउंट लाखों करोड़ रुपए में है, जिसको लेकर के दिल्ली के सांसद संजय सिंह ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिन्होंने अडानी को लेकर के संसद के अंदर पहले भी इस मुद्दे को उठाया हुआ है। उन्होंने सीधा सीधा कहा कि अडानी और सेबी प्रमुख इससे जुड़े हुए हैं, इस वजह से जो देश की जनता है उसके लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, जिसको लेकर के जो हमारी जो संस्थाएं, जो जांच अधिकारी हैं, वो इस कार्यवाही को पूरी करें और हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है उस पर सही स्पष्टीकरण सरकार का क्या है वो जल्द से जल्द आना चाहिए। अंबुज उपाध्याय, एएनबी न्यूज, दिल्ली। जनपद फरोदाबाद के नगर पालम में हूँ और ये एटा शिकोहाबाद रोड है। यहाँ से जोरों से लोग गंगा घाट से जल भरते हैं और भक्त कांवड़िए जल लेकर भोलेनाथ के मंदिर बटेश्वर नाथ पहुँचते हैं। भाई मैं अपने कैमरे पर्सन को यहाँ दिखा दीजिए और देखिए ये 51 किलो की कावड़ लेकर भक्त कांवड़िए जोरों से आ रहे हैं और पूरी रात हो गई चलते चलते और ये कल सावन मास का अंतिम सोमवार है और भोलेनाथ के जल से अभिषेक
किया जाएगा, वही हम इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका, ये बताइए कहाँ से आ रहे हैं, ये बताइए दोनों से कब से चल रहे हैं आप से चल रहे हैं। अच्छा ये बताइए जान लेते हैं आपका क्या नाम है, ये बताइए ये 51 किलो की कावड़ लेकर आप चोरों से आ रहे हैं, कितने घंटे हो गए चलते चलते, 14 घंटे हो गए, ये बताइए किसी भी तरह की कोई परेशानी आपको, देखिए कहते एकता शिकोहाबाद मार्ग पर प्रशासन के द्वारा जो इंतजाम किए गए हैं क्या आप उनसे खुश हैं, खुश हैं तो कहीं ना कहीं। अच्छा आप बताइए आपका क्या नाम है, आदेश, ये बताइए बोले आपको कितना समय हो गया चलते चलते, 15 घंटे हो गए, और आप इस पे देखिए मैं अपने कैमरा से एक बार ये दिखा दीजिए, कावड़ 51 किलो की कावड़ है, इसे ये लोग लेकर अपने कांधे पर रखकर सिर्फ भक्त कावड़िए, और कोई भी इन्हें ना कोई थकान है ना कोई दर्द है, क्योंकि ये भोलेनाथ की महिमा है इन पर। ये बताइए आपके मन में क्या है, क्या आपकी मनोकामनाएं लेकर जा रहे हैं भोलेनाथ के चरणों में, बोलो बोलो आप बताइए। तो कुछ है भोलेनाथ, अच्छा भोलेनाथ से क्या मनोकामना लेकर जा रहे हैं, आपकी क्या मनोकामना है पूरी होंगी, तो देखिए मैं अपने कैमरा पर्सन को एक बार यहाँ दिखा दिए, देखिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद सौरभ दीक्षित के नेतृत्व में जगह जगह पुलिस सहायता बूथ भी लगाए गए हैं, वहीं स्वास्थ्य शिविर जो कावड़ मार्ग पड़ते हैं वहां लगाए गए हैं, और बात कर ले यहाँ इनके सूक्ष्म जलपान के लिए भी तो जो स्वयं सहायता समूह है जगह जगह उनके द्वारा भंडारे और तरह तरह के आयोजन किए गए। मैं अपने सहयोगी की कैमरा पर्सन के साथ रायडी प्रभाकर फिरोजाबाद। हिमाचल में शुरुआती मौसम में जब मॉनसून शुरू हुआ था तो रफ्तार काफी धीमी थी, तो इसको देख के लग रहा था कि इस बार जो पिछले साल जो आपदा आई थी उसका असर जो है इस बार देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अब देखने में आ रहा है कि जैसे जैसे मॉनसून के विदा लेने का वक्त आ रहा है वैसे वैसे जो मॉनसून है वो और ज़्यादा रफ्तार पकड़ रहा है। अगर हम अगस्त की बात करें तो सामान्य से ज़्यादा मॉनसून बरस रहा है, और अभी की भी अगर हम बात करें पिछले कुछ घंटों से कुछ जिलों में जैसे सोलन सिरमौर कांगड़ा और चंबा मंडी इत्यादि जो जिले हैं वहाँ पर लगातार बारिश जारी है, और किन्नौर में भी इस वक्त जो है बड़ी खबर वहाँ से आई है, खाब में जो है बादल फट गया है और उसके कारण जो है पूरा मलबा और पानी सड़क पर फैल गया है, जिसके कारण पिछली रात से ही वहाँ पर यातायात रोक दिया गया है। इसी तरह मंडी कुल्लू जो नेशनल हाईवे है वो पंडो के पास जो है 9 मील के पास बंद कर दिया गया है, यातायात वहाँ भी पिछली रात को रोक दिया गया था। इसी तरह प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से इस दौरान जो है बड़ी नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं, कई जगह पर जो है जो सड़कें हैं वो जलमग्न हो गई हैं, बस स्टैंड जो है पूरी तरह जो है वहाँ पर यातायात अवरुद्ध हो गया है। तो ऐसे में अगर हम देखें तो जो मानसून है वो लगातार जो है अभी भी उसके जारी रहने की उम्मीद है, और जो पूर्वानुमान मौसम विभाग ने चताया उसके अनुसार 6 दिन यानी पहले तो है 13 अगस्त तक का ये पूर्वानुमान था, लेकिन अब 16 अगस्त तक का पूर्वानुमान निकल कर आया है, उसमें 16 अगस्त तक येलो अलर्ट जारी किया गया है आज के लिए जो शिमला सोलन सिरमौर और मंडी इत्यादि जो जिले हैं वहाँ के लिए फ्लैश फ्लड की चेतावनी जारी की गई है, और ऑरेंज अलर्ट इन जिलों के लिए जारी किया गया है। इस बीच जो चौपाल एरिया है शिमला का वहाँ पे भी जो है जो कुछ एरियाज में जो है नालों में जो है पानी का प्रवाह बहुत ज़्यादा था, इस कारण जो है बगीचों को बड़ा नुकसान यहाँ पे पहुँचा है। तो अब ये देखने वाली बात रहने वाली है कि जो आने वाले दिनों यानी 16 अगस्त तक का जो येलो अलर्ट है और इस बीच कई जिलों के लिए जो चेतावनी है वो भी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है, और आने वाले 24 घंटे प्रदेश के कई जिलों के लिए बताया जा रहा है कि भारी रहने वाले हैं। तो ऐसे में उम्मीद यही जताई जा रही है कि लोग जो है एहतियात बरतें, जानमाल का जो अपना बचाव है वो स्वयं करें, क्योंकि प्रशासन तो कर ही रहा है लेकिन जब तक लोग अलर्ट नहीं रहेंगे और भूस्खलन वाली जगहों से दूरी नहीं रखेंगे तब तक जो है जानमाल के नुकसान की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे में सरकार ने लोगों से भी अपील की है कि एहतियात बरतें, सावधानी बरतें, और जिस दौरान मौसम विभाग जब अलर्ट जारी करता है जिन जिलों के लिए अलर्ट होता है उस दौरान अगर लोगों को बहुत जरूरी ना हो तो घरों से ना निकले, अपनी यात्रा को जो है स्थगित करें। शिमला से ANB न्यूज के लिए मैं टीना।
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हालिया दौरा जम्मू कश्मीर का दौरा इस एतबार से खास और अहम माना जाता है क्योंकि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से सियासी जमातों का एक दरीना मांग है कि यहाँ पे असम्बली इंतखाबात के साथ साथ जो स्टेट का दर्जा है वो भी वापस मिलना चाहिए, लेकिन जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उन्होंने जम्मू कश्मीर में जिस तरह से दौरे के दौरान यहाँ की सियासी जमातों के साथ साथ उन्होंने यहाँ पे जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके सरबराहान के साथ भी मुलाकात की, इस मुलाकात के दौरान उन्होंने यहाँ पे सियासी जमातों का भी फीडबैक हासिल किया, मुकामी लोगों का भी फीडबैक हासिल किया और सिक्योरिटी एजेंसीज है उनका भी फीडबैक हासिल किया। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अब ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि यहाँ पे असम्बली इंतखाबात हो जाएंगे, जो यहाँ की सियासी जमातों के साथ साथ यहाँ के मुकामी लोगों की भी एक दीरीना मांग है। लेकिन दूसरे पहलू पर अगर नजर डाली जाए तो यहाँ पे जिस तरह से पिछले कई महीनों से जो खिताब चुनाव और खिताब जम्मू है वहाँ पे जिस तरह से जो सूरत हाल पैदा हो गई है, काफ़ी तनाव भरा माहौल वहाँ पे पैदा हो गया है, कई एनकाउंटर्स वहाँ पे हुए हैं जिनमें सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ वहाँ पे मुकामी लोगों की भी जान चली गई है इन एनकाउंटर्स के दरमियान, और वहाँ पे ये खदशा किया जाता है कि वहाँ पे जिस तरह से जो जंगल पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे सरहद के उस पार से जो मिलिटेंट्स से जम्मू कश्मीर के हदूद में दाखिल होते हैं और यहाँ पे किसी न किसी हद तक सूरत हाल को बिगाड़ने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन अगर अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अब यहाँ पे जिस तरह से जो सिक्योरिटी एजेंसीज काम कर रही है इन सूरत हाल के दरमियान, इन सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए क्या यहाँ पे इलेक्शन कराना जो मरकज के लिए या जम्मू कश्मीर प्रशासन के लिए किसी न किसी हद तक एक चैलेंज बड़ा साबित हो सकता है, क्योंकि एक तरफ से यहाँ पे सूरत हाल को जो पुरान माहौल है उसको बिगाड़ने के लिए कई एजेंसीज इस वक्त भी मुतहरक है, कई एजेंसीज यहाँ पे जो अमन अमान की जो सूरत हाल है उसको ख़त्म करने के लिए जो अपने मनसूबे बना रही है, लेकिन दूसरी तरफ से यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मरकजी सरकार, जो सुप्रीम कोर्ट है वो इसी बात पर बार बार इसी बात पे जोर दे रही है कि यहाँ पे वक्त की मुनासिबत को समझते हुए यहाँ पे असम्बली इंतखाबात कराना वक्त की अहम ज़रूरत है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे जो सियासी जमातें हैं उनका बार बार यही कहना है, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस, उनका बार बार यही कहना है कि यहाँ पे 1989 से लेकर हालात ऐसे ही चले आए हैं, लेकिन उन हालातों के दरमियान भी यहाँ पे छोटे बड़े इलेक्शन होते रहे हैं। अगर मरकजी सरकार इन छोटे छोटे मसलों को यहाँ पे मद्देनजर रखते हुए या सिक्योरिटी खदशात को जाहिर करते हुए यहाँ पे ये बात दोहराएगी तो यहाँ पे ये ताजुब के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ पे कभी इलेक्शन नहीं होंगे। लेकिन अब ये देखना बाकी है कि मरकजी सरकार क्या रणनीति अपनाती है, क्या सोच रखती है, क्या फैसला करती है कि यहाँ पे कब और किस वक्त इलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ से देखा जाए तो जिस तरह से यहाँ पे अगरचे कश्मीर घाटी में किसी न किसी हद तक जो मरकजी सरकार है वो कामयाब हो गई है यहाँ पे अमन अमान की सूरत हाल को बहाल करने में, लेकिन अभी भी खिताब चुनाव और खिताब जम्मू है वहाँ पे किसी न किसी हद तक तनाव भरा माहौल है, तो उन हालात से निमटने के लिए, उन हालात का सामना करने के लिए, उन चैलेंजेस का सामना करने के लिए मरकजी सरकार क्या रुख इख्तियार करती है। और यहाँ पे अगरचे लोगों की भी डिमांड है कि असम्बली इंतखाबात होने चाहिए, यहाँ की सियासी जमातों की भी डिमांड है कि यहाँ पे असम्बली इंतखाबात करने चाहिए। अब दो पहलों के दरमियान यहाँ पे क्या असम्बली इंतखाबात होंगे या यहाँ पे जो सिक्योरिटी इंतजाम है, सिक्योरिटी इंतजाम को किस हद तक यहाँ पे हतमी शक्ल मिल सकती है, किस तरह से जो चैलेंज सामने है चाहे बॉर्डर के उस पार से चाहे जम्मू कश्मीर के हदूद में जो मिलिटेंसी है, क्या उसका सामना करने के लिए यहाँ की सिक्योरिटी एजेंसीज, मरकजी सरकार, जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह से तैयार है या नहीं। एनबी न्यूज के लिए मैं अनंतनाग से निसार अहमद। असम में स्वाधीनता दिवस को लेकर पूरी तरह से तैयारी में लग रहे हैं जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन, और असम के हर जिले में 78वां स्वाधीनता दिवस को लेकर पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं जिलों के जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन। और आज भी देखा जा रहा है कि असम के मोरिगांव जिले में पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की तरफ से पूछताछ आरंभ किया गया है, और आज असम के मोरिगांव जिले में हम उपस्थित हैं और यहां पर देख सकते हैं कि किस तरह 15 अगस्त को लेकर पूछताछ चल रही है। असम से मैं संध्या, एनडी न्यूज। अगर चंडीगढ़ की बात की जाए तो चंडीगढ़ में जो है देर रात से ही जो है बारिश हो रही है और सुबह से जो है लगातार जो है बारिश जो है हो रही है। आपको बता दें कि मौसम विभाग द्वारा जो है येलो अलर्ट जो है चंडीगढ़ के अंदर जो है जारी किया गया है कि आज और कल जो है चंडीगढ़ में जो है काफ़ी भारी
भारी बारिश होने की संभावना जो है बताई जा रही है। वहीं अगर आसपास के एरियों की बात की जाए, चाहे मोहाली की बात की जाए, चाहे पंचकूला की बात की जाए, चाहे साथ लगते जीरकपुर खरड़ की बात की जाए, तो वहां पर भी यही स्थिति जो है सामने आ रही है कि वहां भी जो है लगातार बारिश जो है की जा रही है। अगर भरोसेमंद सूत्रों की माने तो पंजाब के कई शहरों से भी जो है बिल्कुल तस्वीरें जो है सामने आ रही है कि भारी बारिश के चलते काफी नुकसान वहां पर हुआ है। कह सकते हैं साफ तौर पर कि मौसम विभाग द्वारा जो है येलो अलर्ट जो है पंजाब में भी और खासकर चंडीगढ़ में भी जो है बिल्कुल जारी किया गया है, और आने वाले अगर एक से दो दिनों की बात की जाए तो बारिश जो है इसी तरह से रहने वाली है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन विजय के साथ एनबी न्यूज के लिए अमित सेठी की रिपोर्ट। जिस तरह से देखा जा रहा है तो सावन मास को लेकर के बंदरों पर काफी श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। आपको बता दें जिस तरह से झांसी जिले की मऊरानीपुर तहसील में केदारेश्वर भगवान का मंदिर है, जहां पर काफी ऊंचाई पर केदारेश्वर भगवान बैठे हुए हैं। सावन मास में काफी श्रद्धालु अपनी श्रद्धा लेकर के सावन मास को लेकर के वह कांवड़िया अन्य जगहों से लेकर के जल ओरछा से ला करके भगवान केदारेश्वर को चढ़ाते हैं। लेकिन अगर आपको बता दें तो जिस तरह से देखा गया है कि एक आपे में लगभग एक दर्जन लोग वहां पर श्रद्धालु गए हुए थे, जिसमें देखा जा रहा है कि वहां से आपे का संतुलन बिगड़ जाने से लगभग एक दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल है, जिसमें बताया जा रहा है कि राहगीरों की मदद से और पुलिस प्रशासन की मदद से उनको समुदाय स्वास्थ्य केंद्र लाया गया था, जहां पर चिकित्सकों ने एक लड़की को मृत घोषित कर दिया है, जिसमें पांच लड़कियां काफी गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको झांसी मेडिकल रेफर कर दिया गया है। इस तरह की लापरवाही को देखते हुए जिस तरह से देखा जा रहा है कि इतनी ऊंचाई से गिरने से उनकी भी हालत काफी नाजुक देखने को मिल रही है। झांसी जिले के अधिकारी भी इस घटना को लेकर के काफी चिंता में लगे हुए हैं, उनकी अधिकारियों की देखरेख में उनका इलाज कराया जा रहा है। देखिए अभी हॉस्पिटल में हम लोग आए हुए हैं और यहाँ पे जो हादसा हुआ है उसमें करीब 9 लोग चोटिल हुए हैं, एक की डेथ हो गई है और जो चोटिल है वो गंभीर रूप से घायल नहीं है, 2 लोगों को रेफर किया जा रहा है, बाकी घटना की जांच की जा रही है। जिसके स्तर पे लापरवाही है उसके क्या बताई गई, क्या हुई है घटना, ये बताई गई है कि एक ऑटो था, ऑटो चालक किसी तरीके से जो है मंदिर के ऊपर अपनी गाड़ी ले गया था, वहां से वापसी में करीब 11-12 लोगों को बैठा के आ रहा था, तो रास्ते में कहीं डिसबैलेंस हो गई गाड़ी, वो पलट गई, जिसके कारण एक घटना हुई है। अब लापरवाही इसकी जांच की जा रही है, जो भी लापरवाही जिसकी आए सामने आएगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नहीं, वहाँ बाकायदा पुलिस की ड्यूटी लगाई गई थी, गाड़ी जाने के लिए प्रतिबंधित था, इस बात की जाँच कराई जा रही है। कितने लोग थे सवार? कम से कम 15 से 14 लड़की लड़कियाँ थी, जिसमें काफी गंभीर रूप से घायल भी हैं। हम लोग वहाँ पे ऑटो स्पॉट अपने केदारेश्वर में खड़े थे, जैसी हमें सूचना मिली, जैसी हमने देखा उनको, वहाँ से हमने मेडिकल अस्पताल सीएससी मोबाइल पर भर्ती कराया। अच्छा, कितने लोग घायल हैं इसमें? घायल तो 10-12 लोग घायल हैं। तीन पहिये वाहन भी जो है वहाँ पे वाहन जाना रोक लगाया गया है, तो वहाँ पे कोई रोकता ही नहीं, वो सीधी गाड़ियाँ वो ऊपर चढ़ी जाती है। क्या वहाँ पुलिस तैनात नहीं थी? नहीं, वहाँ पे कोई पुलिस नहीं थी, केवल बैरियर लगा, तो बैरियर लगा अलग कर दिया जाता है और सीधी गाड़ी ऊपर चढ़ी जाती है। इस घटना के पीछे किसकी चूक मानते हैं आप? घटना के पीछे आप किसका बताया? प्रशासन की चूक है, प्रशासन की भी हो सकती है, थोड़ा हम लोग आम जनता की भी हो सकती है कि ऐसे बरसात के मौसम में तीन पहिए में इतनी ज्यादा सवारी ना भर के जाए ऊपर। झांसी से एनवी न्यूज धर्मेंद्र सिंह प्रयाग। पिछले कई दिनों तो चंडीगढ़ की अगर गल की जाए तो गर्मी को लैके जड़े ने लोग परेशान चल रहे सन, तो लगातार जी मौसम के भी ह्यूमिडिटी जी देखने मिल रही थी, मौसम विभाग लगातार जड़े ने दावे करता दिख रहा है कि बारिश जी होने की संभावना है, मगर कितना कितने इंद्र देवता जड़े ने चंडीगढ़ के लोगों तो नाराज चल रहे सन। मगर अगर देर रात की गल की जाए, देर रात तो ही जी है चंडीगढ़ के भी जी है लगातार जी है बारिश हो रही है। तस्वीरों के इस समय देख सकते हो कि बारिश जी है लगातार हो रही है, सवेर तो ही जी बारिश जी है बिल्कुल लगातार चल रही है, देर रात भी जी है बारिश जिस इस तरह ही रुक रुक के जी है बारिश चलती रही, देख सकते हो तस्वीरों के। हालांकि अगर बच्चों की गल की जाए तो बच्चे जड़े ने जरूर जी बारिश का नज़ारा लेंदे हुए दिख रहे हैं, स्विमिंग पूल के भी जड़े ने बच्चे नहाते हुए जड़े थोड़ा तस्वीरों के भी साफ तौर पर देख सकते हो तुम, मगर कह सकते हैं कि कितने ना कितने गर्मी तो राहत जी है लोगों को मिली है, क्योंकि पिछले कई दिनों की अगर असी गल करिए तो लोग जड़े ने गर्मी तो काफ़ी परेशान जड़े ने दिख रहे सन, तो कह सकते हैं कि हुण जिस तरह देर रात तो बारिश चंडीगढ़
चंडीगढ़ के हो रही है तो तापमान के भी जी है गिरावट देखने मिल रही है। उत्थे ही अगर खासकर कही है कि अज जिहड़ा है रविवार है तो अज जिहड़ा है जरूर स्कूली बच्चे जिहड़े ने जिन्होंने अपना काम काज से जाना सीगा संडे करके जिहड़ी है उन्हां नूं जिहड़ा है इन्हां मुश्किलां का सामना नहीं करना पै रहा। अगर मौसम विभाग की गल की जाए तो कल भी जिहड़ी बारिश है इस तरह ही रहने वाली है तो जरूर अगर कल की असीं गल करिए तो अगर स्कूली छात्र जिहड़े बच्चे ने स्कूल जाते हैं तो उन्हां नूं मुश्किलां का सामना करना पवेगा। तो जे लोग जिहड़े जिन्होंने नौकरी जाना है जिहड़े नौकरी पेशा बच्चे ने या जिहड़े नौकरी पेशा जिहड़े व्यक्ति ने जदों अपने काम काज से जाएंगे तो कह सकते हैं कि उन्होंने कल मुश्किलों का सामना करना पै सकता है। उत्थे अगर यातायात की गल की जाए तो जरूर प्रभावित जरूर होंगे कि जो बारिश होंगी है तो जरूर यातायात जिहड़ा है प्रभावित अक्सर देखने को मिलता है कि प्रभावित होंगे क्योंकि जिन्होंने चार पहिया वाहन से जाना होंगे वो तो चले जाते हैं मगर जिन लोगों ने दो पहिया वाहन से सवारी करनी होंगी है उन्होंने काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि चंडीगढ़ के लोग कितने ना कितने अज खुशी मना रहे होंगे बारिश का आनंद मान रहे होंगे क्योंकि अज संडे भी है तो अक्सर देखिए खासकर अगर पंजाबियों की असी गल करिए कि जो भी बारिश होंगी है तो घरदियों कह दिया जाता है कि हुण पकौड़े तर लो क्योंकि बारिश हो रही है तो कह सकते हैं कि अज पंजाबी लोग जिहड़े ने जिहड़े खासकर चंडीगढ़ के भी जिहड़े रहिंदे ने तो कितने ना कितने अज मौसम का लुत्फ उठा रहे होंगे मगर गर्मी तो जिहड़ी है राहत जरूर मिलती दिख रही है। चंडीगढ़ तो कैमरा परसन विजय दे नाल ANP न्यूज़ लई अमित सेठी की रिपोर्ट। दोस्तों एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का कॉन्वॉय जब भिवंडी नासिक हाईवे पर ट्रैवल कर रहा है तो वहां के खड्डों की वजह से उनका कॉन्वॉय बहुत धीरे से आगे बढ़ रहा है, गाड़ी ऊपर नीचे हो रही है। तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है, लोग अलग अलग टिप्पणी कर रहे हैं इस वीडियो के संबंध में और इन दिनों महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अलग अलग जगह पर जाकर जो खड्डों को भरने का काम किया जा रहा है उसका निरीक्षण भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो शायद ये जब उन्होंने एक्सपीरियंस किया तब उनको समझ में आया होगा कि जनता को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है इन खड्डों की वजह से, इसलिए खड्डों को भरने का काम महाराष्ट्र में बहुत तेजी से हो रहा है। मैं सैफ खान, ANP न्यूज, मुंबई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर आज अवैध रूप से बने चर्च पर चला। आपको बता दें कि अरोरा थाना अंतर्गत कुमिया गांव में अवैध रूप से चर्च बना हुआ था जिसको आज वन विभाग की टीम और राजस्व विभाग की टीम के अलावा पुलिस प्रशासन द्वारा उसको ढा दिया गया। आपको बता दें कि बहुत पहले से चर्च बना हुआ था वन विभाग के जमीन पर, आज उसकी कार्रवाई हुई है। देखिए हम लोगों को सूचना मिली थी कि कुछ एरिया में ऐसे अवैध रूप से कुछ सेंटर्स चलाए जा रहे हैं, चर्चेस चलाए जा रहे हैं जिसमें कि अवैध रूप से धर्मांतरण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो इस सूचना पर यहाँ पर थाना अरोरा क्षेत्र में जंगल मुहाल एरिया है वहाँ हम लोग को पता चला था कि एक वन विभाग की भूमि पर स्थित एक चर्च है जो कि इलीगल ढंग से बना हुआ है और यहाँ अगल बगल के जो लोग हैं उनको ये उनका धर्मांतरण कराते हैं। तो इस सूचना पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया था और उसमें आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई की गई। इसी दौरान जो जिस ज़मीन पर यह चर्च बना हुआ था उसकी जब जांच कराई गई तो वो वन विभाग की ज़मीन पाई गई, इनको नोटिस दिया गया और इसका इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और आज नियमानुसार पुलिस की, प्रशासन की और वन विभाग की टीम सम्मिलित रूप से आज इन लोगों के जो यहाँ अवैध निर्माण है उसको ध्वस्त करा दिया गया। आगे भी इस तरह के जो केंद्र चल रहे होंगे उनको आइडेंटिफाई कराया जाएगा और उन पर किसी तरह की प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। देखिए जैसे हम लोगों को चीज़ें पता चल रही हैं इस पर हम लोग बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से काम कर रहे हैं और भी जगहों को चिन्हित किया गया है और ऐसे लोगों को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं जो बहुत ही ऑर्गेनाइज ढंग से इस चीज़ को कर रहे हैं, उनके विरुद्ध हम लोग प्रभावी कार्रवाई करेंगे और भी जो उनकी इलीगल संपत्तियां हैं उसको हम लोग आगे इसी तरह ध्वस्त कराएंगे या फिर गैंगस्टर एक्ट के तहत फिर आगे उसको कुछ कराएंगे। मिर्जापुर से ANP न्यूज रिपोर्टर राम कुमार सिंह। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर से। आपको बता दें कस्बा पासू जो ब्लॉक पासू लगता है वहाँ पर एक नई लाइन बदलते समय लाइन में नई लाइन को बदला, लाइन ख़राब होने के बाद उस लाइन को बदलने के बाद जब जैसे ही उस पर बिजली का सर्किट जैसे ही चालू हुआ उसके बाद में नई लाइन में एक बहुत तेज़ी के साथ ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट होने के बाद वहाँ पर आसपास में आग लग गई।
आपको बता दें जो स्थानीय लोग थे वहाँ पर, स्थानीय लोगों की सतर्कता के चलते आज उस आग पर मशक्कत के बाद काबू पाया गया। लेकिन आपको बता दें जिस तरह से वहाँ पर ब्लास्ट हुआ, जिस तरह से लाइन में आग लगी, उस लाइन से भी बहुत बड़ा संकट वहाँ के लोगों पर आ सकता था। बहुत बड़ी घटना या बहुत बड़ी दुर्घटना वहाँ पर लोगों के साथ हो सकती थी, लेकिन जागरूक लोगों के चलते उस आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। जनपद बुलंदशहर से मैं उदय यादव, एनवी न्यूज के लिए। हरदोई के टणियावा थाना इलाके में पिकअप डाला की टक्कर लगने से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई थी। दो दिन पहले हुई इस घटना में आज एक दूसरे युवक की मौत हो गई। दोनों लोगों की मौत के बाद परिजनों में जहां कोहराम मचा है, वहीं आज जब दूसरे युवक के इलाज के दौरान मौत हुई और शव जब गांव आया तो परिजनों ने सड़क पर शव रखकर जाम लगा दिया। भारी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंची। काफी देर तक हंगामा सड़क पर होता रहा। पुलिस ने समझा बुझाकर लोगों को जाम खुलवाया है, जिसके बाद जो लोग हैं वो वहां से जा सके हैं। तमाम वाहन इस दौरान जाम में फंसे रहे, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। हालांकि पुलिस पूरे मामले की कार्रवाई में जुट गई है। हरदोई से ब्यूरो जर्नलिस्ट सुनील के साथ मनोज तिवारी, एएनबी न्यूज़।